हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर अक्टूबर मंथ से कोई भी डेट और थीम पूछे तो, क्योंकि इससे बाहर आपके पेपर में कभी भी कोई भी डेट नहीं पूछा था। ये मैंने सुपर इंपॉर्टेंट जो अक्टूबर मंथ से डेट है वो पिक किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। नेक्स्ट की बात करें तो 1 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हैं वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अगर बात करें इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी द जर्नी ऑफ एज इक्वालिटी, जिसकी थीम थी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जिनका थीम नहीं है वो आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो थीम है मैंने आपको पिक कर रखा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड देखिए 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मैं आपको बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और ये आप इसको गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कब से मनाया था, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी कि 2007 से, ठीक है, 2007 से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि 2 अक्टूबर को हम लोग एक और चीज़ मनाते हैं जो कि आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ये जो आपका वीक होता है, इस वीक को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है, यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका जो थीम था 2019 का जो थीम रखा गया था, ये थीम क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेटवे द स्टार्स, यानी कि चंद्रमा तारों का द्वार, ठीक है, इस थीम को भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, हिंदी में आप कह सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस। अगर बात करें कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल टीचर्स डे सभी को पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। 2019 की थीम क्या दी गई थी वर्ल्ड टीचर्स डे की, तो ये थीम थी यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द पैशन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस कब मनाया था, तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्लियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसका थीम था सुसाइड प्रिवेंशन। अब देखिए एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे मानसिक नहीं रहता तो क्या होता, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर पूछ ले तो क्या होता, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछता तो वहाँ पे 7 अप्रैल यहाँ पे राइट आंसर होता, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, और यहाँ पे आपका 10 अक्टूबर को मनाया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है फ्रेंड्स 11 अक्टूबर, जो कि आपका उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा गया है, मैंने देखा है, विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग डे के रूप में आप मनाते हैं। इसका थीम 2019 का क्या दिया गया, ईट योर एग टुडे एंड एवरीडे, ठीक है, ईट योर एग टुडे एंड एवरीडे, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, और इसका 2019 का थीम दिया गया प्रोटेक्ट्स बर्ड बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है, 15 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और आप सभी को पता है अगर पूछ लेता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता, यानी कि ग्रामीण इसमें नहीं लगाता तो क्या होता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछते तो 8 मार्च यहाँ पे आपका राइट आंसर होता, ठीक है, तो दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पूछे तो ये 15 अक्टूबर, और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च। 2019 की थीम क्या रखी गई थी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रिलायंस, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये बनता है कि 15 अक्टूबर को एक और चीज़ मनाया जाता है कि जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और ये विश्व छात्र दिवस कह सकते हैं, और ये जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, क्लियर, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। अगला देखिए क्या है कि 16 अक्टूबर, और ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना ज़्यादा बार पूछा गया कि अगर अक्टूबर मंथ से मैं बात करूँ कि अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया, तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में अधिक बार पूछा गया, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड डे आप देख सकते हैं कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं, और आप ये आपका 2019 का जो थीम रहा आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, क्लियर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, ये 2019 की थीम रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि 17 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं इंटरनेशनल
पॉवर्टी इरेडिकेशन डे, ठीक है, इरेडिकेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। अगर नेशनल स्टैटिक्स डे के बारे में पूछे तो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाता है 29 जून को, ठीक है, 29 जून को पीसी महालोनवीस के जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 2019 का थीम इसका क्या था, बेटर डाटा बेटर लिव्स, ठीक है, तो ये भी अच्छा है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है, अगला पॉइंट है 24 अक्टूबर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको 16 अक्टूबर बताया उसी तरह से 24 अक्टूबर भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस दिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 1948 से मनाया जाता है, ठीक है, इसका गठन 1945 में किया गया था, लेकिन स्टार्टिंग 24 अक्टूबर 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, क्लियर। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड पोलियो डे यानी कि विश्व पोलियो दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें इसकी 2019 की थीम की, तो आप देख सकते हैं कि स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट द वर्ल्ड पोलियो डे, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा 31 अक्टूबर, उस 24 के बाद आपको 31 याद रखना है, बीच में आपको कोई भी फालतू चीज़ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। वैसे अगर आप याद करना चाहें तो आपको प्रत्येक दिन तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन आपके पेपर में क्या पूछा था वो आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर तो आप सभी को पता है कि नेशनल यूनिटी डे जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ए फेमस पर्सनालिटी ऑफ फॉर यूनिटी इंडिया, क्लियर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो होता है आपका पुण्यतिथि भी मनाया जाता है, इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि भी मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर को पूछ ले कि किसका पुण्यतिथि मनाया था, तो ये इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो डेट थी थीम थी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अगर आप इन सभी को याद कर लेते तो इससे बाहर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आप इसको चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैनल है, और आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।